अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जितने भी साइट सुपरवाइज़र है या साइट इंजीनियर है उनके लिए मैं अच्छा सा वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि ये है हमारे पास डूम स्ट्रक्चर। तो इसमें मैं ये आपको बता दूंगा कि डूम स्ट्रक्चर का स्टील पैक्सिंग कैसे होता है और उसको पैक्सिंग के बाद कैसे नज़र आता है, आज मैं दिखाता हूँ, मेरे साथ रहिए। ये आप देख सकते हैं हमारा एक साइड से ये तीन बीम जा रहे हैं, मेन बीम जा रहा है, ये वाला ये जा रहा है और जैसे यहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे जाके वहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये आर्च है हमारा, ये हमारे साथ है आर्च, फ्रंट वाला जो है आर्च है, इसमें ये फ्रंट का गेट भी आता है फिर और बाकी वगैरह ये विंडो होता है। तो ये हमारे पास है यहाँ से जो मेन बीम है इसका तीन, वही जा रहे और दूसरी साइड पे ऐसे उतर रहे, और ये जो है ये इसका स्लैब है, अभी इसका सिंगल जाल बन गया तो ये बंदे अभी लगे हुए हैं डबल होने पे। ये हमारे पास है दूसरा आर्च, यानी कि वहाँ से हमारा बीम स्टार्ट हो रहा है और ये दूसरा आर्च है, साइड आर्च है ये। अच्छा, ये तीन बीम जो है ये भी इस साइड से जा रहे, जैसे वो वाला बीम मैंने दिखा दिया था पहले, तो उसके 90 एंगल पे उसको क्रॉस करते हुए जा रहे हैं बिल्कुल टॉप पे। तो ये है मस्जिद डूम स्ट्रक्चर है, ये इसका मेहराब का एरिया है, फ्रंट है यानी इसका, ये भी आर्च जा रहे बड़े आर्च, और इधर इसका मेहराब बनेगा वो सामने वाले जगह पर। ये वही अपोजिट साइड है जो पहले मैंने वीडियो शुरू करने से पहले मैंने बोला था, ये बीम जा रहा है उस साइड पे, तो उस साइड पे मैं आ गया जो दूसरे साइड पे उतर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अभी ऐसे ही नज़र आ रहे हैं, अब ये लेबर लगी हुई है इनके स्टील फिक्स करने पे, क्योंकि बीम तो इसका कंप्लीट है, ये बिल्कुल रियर साइड जो है आर्च है इनकी मस्जिद की। तो ये मेरे पास नीचे से जितना भी आ रहा था मैंने कोशिश की है वीडियो में कि सब क्लियर हो जाए दोस्तों को, लेकिन अब मैं इसकी मस्जिद की डूम स्ट्रक्चर का टॉप पे जा रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे नज़र आ रहे हैं हमारे साथ। वो जो मैं बता रहा था कि नीचे से बीम आ रहे तीन और एक दूसरे को जो है 90 एंगल पे स्टार्ट कर क्रॉस कर रहे, तो वो ये है, एक तो ये मेन तीन बीम जा रहे हैं ऐसे, ये ऐसे जा रहे और उस दूसरे साइड से ऐसे आ रहे, ठीक है। ये डूम स्ट्रक्चर है, इसको गौर से देख ली, ये ऐसे जा रहे दूसरी साइड पे उतर, यानी कि इसका जो दोनों साइड है एक जैसी बीम है इसमें, ये आ रही है ये देख, और इसमें जो मेन बीम है ये छः बीम है, छः तीन ये और तीन ये, ठीक है। अब ये छः बीमों में क्या दिखा रहे, छः बीमों में दिखा रहे इंची का सरिया है ये, ठीक है। इसमें ये जो बार है टॉप की, टॉप और बॉटम की तीन तीन बार, ये तो कंटिन्यू जा रहा है, फिर इसमें टॉप एक्स्ट्रा है ये भी तीन बार जा रहे है, और फिर इसमें बॉटम भी तीन एक्स्ट्रा है। तो ये आप देख लीजिए, इसका बॉटम का स्लैब है जो टॉप का बिल्कुल डोम का बिल्कुल टॉप होता है, जैसे एक ये राउंड में बीम जा रहे, और ये जो है हमारे पास ये इसका स्लैब है। तो ये स्लैब का सरिया तो अब सिंगल हो गया, अब लेबर लगी हुई है इसको डबल कर रहे, ये एक बीम बीच में जा रहा है सपोर्ट करने के लिए स्लैब का वेट उठाने के लिए, ये एक बीम जा रहे 2 फीट का बड़ा बीम ऐसे जा रहे आल दराउंड, अब आल स्ट्रक्चर यानी कि पूरी डूम में जो है अराउंड जा रहे ये ऐसे, फिर यहाँ पे आके भी रुक रहे।
ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो तक हमारे साथ रहिए।